इस वक्त मौजूद हैं पूरी दिल्ली के म्यूरा फेज़ वन में। ये चिल्ला गांव है, आपको दिखाएं तो यहाँ एक गोदाम जो है, विपुल तस्वीरें दिखाइए, ये गोदाम है जहाँ पर वुडन का गोदाम है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है वॉलपेपर से लेकर वुडन तक की तमाम चीज़ों का जो है गोदाम था। तकरीबन 500 स्क्वायर फीट का एक गोदाम है जिसमें 12:43 पर आग की घटना की जो खबर है वो फायर ब्रिगेड को मिली थी और तभी से जो है लगातार इस आग को बुझाने की मशक्कत की जा रही है। अभी भी आप देखेंगे तो जगह जगह के पर जो है धुआं आपको उठता हुआ नजर आएगा। हालांकि आग पर अभी काबू पा लिया गया है, लेकिन क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, वॉलपेपर है, तो ऐसे में आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको दिखाएं, काफ़ी बड़ा ये गोदाम है। आप ऊपर विपुल ज़्यादा दिखाएं, इस तरफ से आप देख पाएंगे तो अभी भी कुछ आग की जो लपटें हैं वो अभी भी आपको उठती नज़र आएगी। और इसी के लिए यहाँ पर फायर विभाग की तरफ से 21 से ज़्यादा जो फायर टेंडर्स हैं उनकी तैनाती की गई है। और आप देख पाएंगे कई दर्जन जो यहाँ पर फायरकर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं और अलग अलग जगह पर कैविटी बनाकर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आसपास के मकान हैं वो इसकी जद में ना पाए। और विपुल जरा तस्वीरें दिखाइए, आसपास पे आप देखेंगे तो दूसरी छतें हैं वहाँ से भी इस आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है। और ये बता दूँ आपको कि ग्रामीण इलाका है, यहीं पर ये गोदाम जो है वो बना हुआ है और यहाँ पर 12:43 पर फायर विभाग को कॉल मिली थी कि गोदाम में आग लग गई है। उसके बाद फायर सर्विस के लोग यहाँ पर पहुँचे और लगातार इस पर बुझाने की कोशिश जो है वो जारी है। काफ़ी हद तक काबू पा लिया, लेकिन कई जगह अभी भी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। अभी आग के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन इसमें जो है एक समय रहते जो है इस पर काबू पा लिया गया और जो आग है वो आसपास में नहीं फैल पाई। फायर विभाग के एसके दुआ साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या आपको खबर मिली, क्या पता लगा? दिल्ली फायर सर्विस को 12:42 पे कॉल मिली थी कि चिल्ला गांव में गोदाम में आ गया, ये जो फ्लोरिंग वुडन फ्लोरिंग एंड प्लास्टिक फ्लोरिंग का जो काम है उसका गोडाउन है ये। और चार गाड़ी मौके पे भेजी गई थी, लेकिन आग की ग्रेविटी को देखते हुए आग को मीडियम श्रेणी का घोषित किया गया। टोटल 21 गाड़ी जो है वो फायर सीन पे काम कर रही हैं, लेकिन आग अब जो है अंडर कंट्रोल हो चुकी है। किस चीज़ का सर ये गोदाम था, क्या उस वक्त लोग मौजूद थे यहाँ पे? यहाँ ये जो है जैसे बताया आपको, ये वुडन फ्लोरिंग एंड प्लास्टिक फ्लोरिंग का ये गोदाम है ये। और जब यहाँ मौके पे पहुँचे तो यहाँ फायर लगी हुई थी और हमारा पहला मोटो होता है आते ही आग बुझाना। जो सर किसी तरह की कैजुअल्टी तो नहीं, कोई कारण पता लगा हो? अभी कोई कैजुअल्टी किसी ने रिपोर्ट नहीं की, लेकिन जब भी आग पूरी बुझेगी तो हम लोग थोरोली इसको चेक करेंगे कि कहीं कोई ऐसा कोई केस आया तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर फायर सेफ्टी के कोई मेजरमेंट्स आपको दिखे यहाँ पर थे या नहीं थे? एज सच कोई ऐसा फायर अरेंजमेंट कोई यहाँ नहीं है और कोई NOC हमारे यहाँ से नहीं मिला हुआ इसको। बिल्कुल, तो जो है फायर विभाग को कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी है इस आग को बुझाने में। बता दें आपको कि चिल्ले में ये तकरीबन 500 मीटर का एरिया है जहाँ पर वुडन और फ्लोरिंग का एक गोदाम था जहाँ पर आग लगी। और इस आग में हालांकि माल का नुकसान हुआ है, लेकिन जान का नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं पड़ी होगी। विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीम है भारतवर्ष दिल्ली।